हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 नवंबर से चलने वाली सभी स्पेशल पैसेंजर ट्रेनों के बारे में, सवारी गाड़ियों के बारे में भी हम बताएंगे आपको इस ट्रेन के बारे में। तो इस वीडियो के साथ बने रहिएगा अंत तक, अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं जी हाँ गाँव जाने वाली ट्रेनों के बारे में इस दिवाली के त्यौहार में या फिर छठ पूजा के त्यौहार के लिए, तो आपके लिए जी हाँ दोस्तों 255 नई स्पेशल ट्रेनें शुरू हो चुकी हैं। बुकिंग 2 दिन के बाद शुरू हो जाएगी, तो आपको जी हाँ दोस्तों आसानी रहेगी टिकट बुकिंग करने के लिए। तो चलिए लेकर चलता हूँ मैं आपको सबसे पहले ट्रेन के लिस्ट के बारे में। जी हाँ, ये है वो लिस्ट जो मैं आपको सेंड कर दूंगा। जी हाँ, वीडियो के अंत में आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको सेंड कर देंगे आपके रूट पर चलने वाली तमाम स्पेशल ट्रेनों के बारे में। तो सबसे पहली ट्रेन है आपकी गोवा एक्सप्रेस। जी हाँ, गोवा एक्सप्रेस आपकी चलाई जाती है वास्को से हजरत निज़ामुद्दीन यानी दिल्ली की तरफ। तो अगर आपको दिल्ली से गोवा, गोवा से दिल्ली की तरफ सफ़र करना हो, तो आप इस ट्रेन के माध्यम से अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। ट्रेन का नंबर आप नोट डाउन कर लीजिए, 12779 12780। अप एंड डाउन दोनों तरफ से है, तो जल्द से जल्द आप इसकी बुकिंग करवा सकते हैं। चलिए अगली ट्रेन के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है डबल टेकर एसी एक्सप्रेस। लोकमान्य तिलक टर्मिनस से मानगांव, मानगांव से लोकमान्य तिलक दोनों तरफ से है, यानी अप एंड डाउन दोनों तरफ से चलेगी। जी हाँ, और ट्रेन का नंबर आप नोट डाउन कर लीजिए, 11085 11086। तो मानगांव से लोकमान्य तिलक यानी मुंबई की तरफ, और मुंबई से मानगांव के लिए अगर आपको यात्रा करनी हो, तो आप इस ट्रेन से अपनी बुकिंग करवा सकते हैं, या इस रूट के बीच में कहीं पर भी अगर आपको सफ़र करना हो तो भी आप इस ट्रेन से अपनी बुकिंग करवा सकते हैं, क्योंकि ये ट्रेन आप सभी के लिए एक बार फिर से शुरू कर दी जा रही है। तो नेक्स्ट ट्रेन की बात करते हैं, जिसका नाम है गुवाहाटी से लोकमान्य तिलक। जी हाँ, ये कटिहार होकर आती है, तो ये जी हाँ दोस्तों आपको बताना ज़रूरी है, क्योंकि कटिहार वाले काफ़ी लोग हैं, ये ट्रेन कटिहार होकर आएगी नहीं। जी हाँ, ये कटिहार होकर आती है, तो आपको गुवाहाटी से मुंबई या मुंबई से गुवाहाटी के लिए यात्रा करनी हो, तो आप इस ट्रेन के माध्यम से अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। ट्रेन का नंबर आप नोट डाउन कर लीजिए, 15646 15645। अप एंड डाउन दोनों तरफ से है, यानी 156 46 है इस ट्रेन का नंबर। जल्द से जल्द आप इसकी बुकिंग करवा सकते हैं, अगर आपको इस रूट पर सफ़र करना हो। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस, जी हाँ, एक लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस जो आपकी शुरू कर दी गई है, तो आप इस ट्रेन के माध्यम से अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। ट्रेन का नंबर है 12505 12506। अप एंड डाउन दोनों तरफ से है, तो नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस से अगर आपको यात्रा करनी हो, तो आप इस ट्रेन से अपनी बुकिंग जल्द से जल्द करवा सकते हैं, क्योंकि ये ट्रेन आपके लिए एक बार फिर से शुरू कर दी गई है। चलते हैं हम अपने अगली ट्रेन के बारे में, जिसका नाम है अहमदाबाद से गोरखपुर एक्सप्रेस। जी हाँ, लंबी दूरी, साथ ही यहाँ पर सबसे ज़्यादा जी हाँ गर्दी देखने को मिलती है, क्योंकि बहुत कम ट्रेनें हैं डायरेक्ट अहमदाबाद और सूरत से, ज़्यादातर ट्रेनें मुंबई से हैं जो है सूरत आपको लेके जाती हैं, या आपको जो है गोरखपुर ले जाती हैं पटना जाने के लिए। तो बहुत ही कम ट्रेनें हैं अहमदाबाद से और सूरत से, तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादा गर्दी होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्लोन ट्रेन भी चलाई जा रही है। तो ये आपके लिए अच्छी अपडेट है, और ट्रेन का नंबर आप लिख सकते हैं, 19409 19410। अहमदाबाद से गोरखपुर और गोरखपुर से अहमदाबाद अगर आपको यात्रा करनी हो, या इस रूट के बीच में आने वाले सभी किसी भी स्टेशन पर आपको यात्रा करनी हो, जाना हो, तो आप इस ट्रेन से अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। अगली ट्रेन है आपकी रांची से भागलपुर। जी हाँ, भागलपुर, तो ये ट्रेन का नंबर आप लिख लीजिए, 18603 18604। अप एंड डाउन है, तो रांची से भागलपुर जाइए या भागलपुर से रांची आइए, आपको जी हाँ ये ट्रेन आपको मिल जाएगी इस रूट पर। और साथ ही इस रूट के बीच में कहीं पर भी सफ़र करना हो रांची से भागलपुर के बीच, तो भी आप इस ट्रेन से अपनी बुकिंग करवा सकते हैं, क्योंकि ये ट्रेन आप सभी के लिए एक बार फिर से शुरू कर दी गई है। तो चलते हैं हम अपने अगले ट्रेन के बारे में, जिसका नाम है ओडिशा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। जी हाँ, नाम से ही आपको पता चल चुका होगा, तो ये ट्रेन आपकी भुवनेश्वर से आनंद विहार चलाई जाएगी, और आनंद विहार से भुवनेश्वर के लिए। तो ये ट्रेन का नंबर है आपका 12819 12820। तो जो भी यात्री इस रूट पर जाना चाहते हों, तमाम यात्रियों से मैं कहूँगा कि जल्द से जल्द आप इस ट्रेन से अपनी बुकिंग करवा सकते हैं, क्योंकि लंबी दूरी की ट्रेनों में ज़्यादातर गर्दी हो जाती है, तो जो पहले आए पहले पाओ वाला सिस्टम है, यानी कि ऐसा कुछ नहीं, आप जैसा बुकिंग कराएंगे, जी हाँ, IRCTC की वेबसाइट पर जाइए, लॉगिन कीजिए, या ऑफलाइन भी जाइए, यानी कि टिकट काउंटर पर भी अब टिकट्स आपको अवेलेबल है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ टिकट काउंटर्स को खोल दिए गए हैं। तो चलते हैं हम अपनी अगली ट्रेन, जिसका नाम है सवारी गाड़ी। जी हाँ, मैंने आपसे कहा था पैसेंजर लोकल ट्रेन जो भी है सब कुछ चलाए जाने की कोशिश की जा रही है ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। अब पहले जैसी सवारी गाड़ी नहीं होगी, यहाँ पे 30 रुपये ज़्यादा टिकट लिया जा रहा है आपसे, क्यों? क्योंकि आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाएगा, साथ ही आपको बाकायदा बैठाने की जो है पूरी व्यवस्था की जा रही है। पहले क्या होता था, आप सवारी गाड़ी में टिकट लीजिए और जाइए, आपके हिसाब से बैठ जाइए, कोई कहाँ पर भी बैठ जाता था, लेकिन अब नहीं, जितनी सीट है उतने ही लोग जाएंगे, और उससे ज़्यादा लोग सफ़र नहीं कर सकते उस ट्रेन में। तो ये अच्छी अपडेट रहती है। जी हाँ,
तो भुसावल से मुंबई, मुंबई से भुसावल, जी हाँ लगभग 8 घंटे का सफ़र होता है। जो एक्सप्रेस ट्रेन होती है लेकिन सवारी गाड़ी है तो ये आपको जो है 16 घंटे तक ले लेती है। तो यहाँ पर ये ट्रेन आपकी जो है अप एंड डाउन दोनों तरफ से शुरू कर दी जा रही है। तो जो भी यात्री गाड़ी इस रूट पर जाना चाहते हो इस सवारी गाड़ी के माध्यम से वो अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। ट्रेन का नंबर लिख लीजिए 5154 5153, अप एंड डाउन है। तो चाहे भुसावल से मुंबई या मुंबई से भुसावल, आप इस ट्रेन से अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। अगली ट्रेन है आपकी कोलकाता मेल। कोलकाता मेल जी हाँ, यह हावड़ा जंक्शन से चलाई जाती है कोलकाता मेल। ट्रेन का नंबर आप नोट डाउन कर लीजिए 1232 1231, अप एंड डाउन है कोलकाता मेल। तो आप इस ट्रेन से अगर यात्रा करना चाहते हैं तो आप जल्द से जल्द इस ट्रेन से अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। अगली ट्रेन की बात कर लेते हैं जो चलाई जाती है आपकी सूरत से भागलपुर के लिए। सूरत भागलपुर एक्सप्रेस ट्रेन का नाम है। ट्रेन चलाई जा रही है और ट्रेन का नंबर है 1904719048। तो सूरत से भागलपुर जाइए या भागलपुर से सूरत या इसके बीच में कहीं पर भी अगर आपको यात्रा करनी हो तो आप इस ट्रेन से अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि ये ट्रेन की बुकिंग आपकी शुरू कर दी गई है। IRCTC पे जाइए यानी ऑनलाइन टिकट निकालिए, या आप टिकट काउंटर पर जाकर भी टिकट निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों ही जगह टिकट आपको उपलब्ध है। अगली ट्रेन की बात करते हैं हटिया से पूना। पूना से हटिया, हटिया से पूना अगर आपको यात्रा करनी हो तो आप इस ट्रेन से अपनी बुकिंग करवा सकते हैं, क्योंकि ये ट्रेन आप सभी के लिए एक बार फिर से शुरू कर दी गई है। ट्रेन का नंबर लिख लीजिए 2284622845, अप एंड डाउन है दोनों तरफ से, पूना से चाहे हटिया, हटिया से पूना या हटिया पूना के बीच में कहीं पर भी जाना हो आपको तो आप इस ट्रेन से अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। तो चलते हैं अपनी अगली ट्रेन जिसका नाम है शेषाद्री एक्सप्रेस। जी हाँ, नाम से ही आपको पता चल चुका होगा काकीनाडा टाउन से चलाई जाती है बेंगलुरु के लिए और बेंगलुरु से नागरकोविल जंक्शन के लिए। तो लंबी दूरी तय करती है और बहुत से यात्री हैं इस रूट पर सफ़र करने के लिए, और काफ़ी लोगों के मैंने कमेंट्स भी पढ़े थे जो इस ट्रेन के बारे में इंतज़ार कर रहे हैं। तो उनका इंतज़ार अब खत्म हुआ, क्योंकि ये ट्रेन आपके लिए एक बार फिर से पटरी पर दौड़ने के लिए तैयार है। तो आप जल्द से जल्द इस ट्रेन से अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। तो दोस्तों, ये सारी ट्रेनें हैं जो चलाई जा रही हैं, लंबी लिस्ट है जानते हैं आप, 255 ट्रेनों के नाम लेने में लंबा समय जाएगा और हम नहीं चाहते कि आपका ज़्यादा समय हम कंज्यूम करें। इसके लिए आपको बेहतर होगा कि आप हमें कमेंट करके बता दीजिए कि आपको किस ट्रेन के बारे में जानकारी चाहिए या आपकी रूट कौन सी है, जैसे मुंबई से दिल्ली हो, दिल्ली से लखनऊ हो, लखनऊ से हैदराबाद हो, हैदराबाद से तिरुवनंतपुरम हो, देश के किसी भी हिस्से में किसी भी कोने में अगर आपको जाना है तो आप अपने रूट के बारे में कमेंट बॉक्स में बताइए। हम बताएंगे आपको कि आपके रूट पर कौन कौन सी स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में बाकी नई ट्रेनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।